नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बचपन में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर स्कूल में आपने ये बूंदी तो ज़रूर खाई होगी। इसे प्रसाद में भी बनाते हैं, तो चलिए मीठी बूंदी बनाना शुरू करते हैं। बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल में एक कप बेसन लिया है और एक गिलास पानी लिया है। अब पानी को बेसन में थोड़ा थोड़ा डालकर फेंटना शुरू करेंगे। आप चाहें तो बेसन को छान भी सकते हैं। मैं इसे एक चम्मच से फेंट रही हूँ। आप चाहें तो विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे ऐसे फेंटना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। हमें एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार करना है जो ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा मोटा हो। मैंने यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैटर तैयार कर लिया है और इतना बैटर बनाने में एक गिलास पानी में लगभग एक टेबल स्पून पानी बच गया है। और अब मैंने इसमें एक पिंच जितना ऑरेंज फूड कलर मिक्स किया है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बैटर को साइड में रख देंगे। अब मैंने एक बर्तन को लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें एक कप शुगर डाल दिया है, आधा कप पानी डाला है। जितनी भी शक्कर डालेंगे उसका आधा पानी यूज़ करेंगे। चाशनी बहुत पतली या बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। बूंदी के लिए मीडियम कंसिस्टेंसी वाली चाशनी बनाएंगे। अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए दो छोटी इलायची चाशनी में डाली है और फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें केसर के स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। चाशनी जमे ना इसके लिए मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ा है। 5 से 6 मिनट में इतनी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। चाशनी तैयार है तो गैस ऑफ कर देंगे और बूंदी बनाएंगे। मैं बैटर में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। बूंदी बनाने के लिए आप इस तरीके का स्पैचुला या ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दोनों आसानी से आपके किचन में मिल भी जाएंगे। तेल गर्म हो चुका है तो थोड़ा सा बैटर तेल में डालकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर कितने आराम से ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि तेल प्रॉपर गर्म है। तो चलिए बूंदी बनाते हैं। तो पहले मैं ग्रेटर से बूंदी बनाऊंगी। मैंने ग्रेटर को इस तरीके से तेल के ऊपर रख लिया है। अब बैटर को इस तरह डालते हुए ग्रेटर को हल्का सा घुमा देंगे। अगर आप ग्रेटर को एक जगह पे रखकर ऊपर से बैटर डालेंगे तो नीचे तेल में जाकर बैटर एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। और अब बूंदी को कुछ सेकंड तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 15-20 सेकंड के बाद एक झारे से बूंदी को हिला डुला दिया है। मीडियम फ्लेम पे बूंदी को बनाएं। बूंदी बहुत जल्दी पक जाती है, बस इसे इतना ही पकाना है। और अब इसे सीधे चाशनी में डाल देंगे। गरम बूंदी को सीधे चाशनी में डालें और फिर बूंदी को चाशनी में अच्छे से मिला दें। अब स्पैचुला से बूंदी बनाएंगे। तो मैंने स्पैचुला के ऊपर इस तरीके से बैटर को डाल दिया है और थोड़ी देर के बाद जब ये पक जाएगी तो उसे इस तरीके से कलेक्ट करके चाशनी में डाल देंगे। तो देखा आपने मीठी बूंदी बनाना कितना आसान है। चाशनी में डालने के बाद कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बूंदी चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। 20 मिनट हो चुके हैं, मीठी बूंदी तैयार है। आप चाहें तो बूंदी को छानकर एक्स्ट्रा चाशनी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बूंदी में सफिशिएंट चाशनी है तो मैं इसे ऐसे ही सर्व करूंगी। अब आपका जब भी मन करे तो रिपब्लिक डे वाली, इंडिपेंडेंस डे वाली और प्रसाद वाली मीठी बूंदी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।